हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब? कल थर्ड लेसन समझा था ना हमने ये साइंस का, आज हम क्या सीखेंगे? इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यू है ना। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट, यानी इनमें से कौन सा फल है? तो क्या आएगा? ए आएगा बनाना, तो आपको किस पर टिक करना है? ए पर टिक करना है। सेकंड है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइस, यानी कि नीचे जो भी दिए हैं उनमें से कौन मसाला नहीं है? तो क्या आएगा? सी पर टिक आएगा, ब्रिंजल। ओके, थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल, सीरियल यानी कि अनाज, तो इनमें से कौन सा अनाज नहीं है? तो किस पर आएगा? शुगर पे आएगा। ठीक है, फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेवरेज, बेवरेज यानी कि पीने लायक प्लांट जो आपको बताया था, है ना। तो क्या आएगा? टी पर आएगा, है ना, बी नंबर के ऑप्शन पे टिक लगाना है। करा सबने? पेज नंबर निकाला है ना, 131। ठीक है, अब क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, बी ऑप्शन में फिलअप्स हैं। तो पहला है, स्पाइसेस ऐड डैश टू आवर फूड, ये ऑप्शन में से हमको ढूंढना है। ठीक है, तो क्या दिया है? मसाले हमारे खाने में क्या डालते हैं? टेस्ट डालते हैं, तो क्या लिखेंगे? टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, सेकंड है, कॉलीफ्लावर इज ए डैश, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी क्या होती है? वेजिटेबल होती है ना, ये रहा वेजिटेबल। सेकंड है, थर्ड है, वीट इज ए डैश, वीट यानी कि गेहूँ क्या है? अनाज है, अनाज को क्या बोलते हैं? सीरियल। ओके, फिर है, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम डैश, हमको फ्रूट कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं ना, तो क्या लिखेंगे? प्लांट्स। फिर फाइव है, कॉफ़ी इज ए डैश, कॉफ़ी क्या है? बेवरेज है ना, कॉफ़ी को पीते हैं ना, तो क्या लिखेंगे? बेवरेज। ओके, करा सबने? अब सी नंबर का है, टी एन एफ यानी कि ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट है, कौन इज ए बेवरेज, बेवरेज यानी कि पीने वाला प्लांट है ना, तो कौन को हम पीते हैं, नहीं पीते हैं ना, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फिर है, अरहर इज ए सीरियल, अरहर क्या है? अनाज है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पल्सीज होते हैं ना। फिर है, कैबेज इज ए वेजिटेबल यानी कि पत्ता गोभी क्या है? सब्जी है, तो यस ट्रू आएगा। फिर है, क्लोव्स एंड टर्मरिक आर बेवरेजेस यानी कि लौंग और हल्दी क्या है? बेवरेज है यानी कि उसको हम पीते हैं, तो क्या आएगा? रॉन्ग आएगा, है ना। फिर है, कॉफ़ी इज ए स्पाइस यानी कि कॉफ़ी क्या है? मसाला है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ओके, चलो पेज टर्न करेंगे। ये देखो, अब डी नंबर में क्या दिया है? राइट टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो दिए हैं उनके हमको क्या लिखने हैं? टू टू एग्जांपल लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है? सीरियल यानी कि अनाज के दो उदाहरण लिखने हैं हमको, तो कौन कौन से होते हैं? वीट एंड राइस। फिर है, फ्रूट, फ्रूट कौन कौन से होते हैं? एप्पल, मैंगो। फिर है, स्पाइसेस यानी कि मसाले, तो क्या लिखेंगे? क्लोव एंड टर्मरिक। फिर है, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, कौन कौन सी होती है? पोटैटो एंड टोमेटो। फिर है, पल्सीज, पल्सीज यानी कि दालें, तो क्या लिखेंगे उसमें एग्जाम्पल? मूंग एंड ग्राम, कल आपको बताया था ना, ग्राम मतलब चना होता है। फिर है, बेवरेजेस, अब बेवरेजेस कौन से होते हैं? ट्री एंड कॉफ़ी, है ना, सिंपल। अब ई में दिया है, कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम, यानी कि ये जो आपको पिक्स दिए हैं उनको आपको पहचान के और उसका नीचे नाम लिखना है। तो पहली किसकी फ़ोटो है? कॉर्न की, तो क्या लिखेंगे? सी ओ आर एन, कॉर्न। फिर किसका फ़ोटो है? राइस का, तो आर आई सी ई, राइस। फिर है, शुगर यानी कि चीनी, तो क्या लिखेंगे? एस यू जी ए आर, शुगर। फिर है, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, तो क्या लिखेंगे? सी ए डबल बी ए जी ई, कैबेज। अगेन समझ में? अब एफ में दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्यू एन ए क्वेश्चन आंसर है। ओके, तो फर्स्ट क्या है? वेयर डू वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम, यानी कि हमको सब्जियां कहां से मिलती है? तो वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, पेड़ पौधों से मिलती है ना हमको सब्जियाँ। फिर सेकेंड है, नेम एनी टू बेवरेजेस, यानी कि दो बेवरेजेस के नेम लिखने हैं, तो क्या आएगा? टी एंड कॉफ़ी। फिर थर्ड है, नेम एनी टू फूड आइटम वी गेट फ्रॉम प्लांट, ऐसे दो फूड आइटम के नेम लिखने हैं जो हमको प्लांट्स से मिलते हैं,
तो प्लांट से तो बहुत कुछ मिलता है हमको, है ना। लेकिन हमको कितने बोले हैं, सिर्फ टू बोले हैं, तो क्या लिखेंगे? पल्सीज एंड सीरियल्स, ओके। फिर फोर नंबर है, नेम एनी टू पल्सीज, यानी कि किन्हीं दो दालों के नाम लिखो, तो क्या लिखेंगे? मूंग एंड अरहर, है ना। फिर फिफ्थ नंबर है, वेयर डू वी गेट शुगर फ्रॉम, यानी कि हमको चीनी कहाँ से मिलती है, तो वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन प्लांट। या शुगर केन मतलब कल आपको बताया था ना, गन्ना होता है, गन्ने के प्लांट पर प्रोसेस करके और फिर शुगर बनती है, तो यानी हमको चीनी कहाँ से मिलती है? शुगर केन प्लांट से। तो क्या लिखेंगे? वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन प्लांट। आ गया समझ में? फिर है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स यानी कि अनाज के दो उदाहरण लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे? वीट एंड कॉर्न, यानी कि गेहूँ और मक्का, है ना। फिर है, नेम एनी टू स्पाइसेस, यानी कि किन्हीं दो मसालों के नाम लिखने हैं, तो क्या आएगा? क्लोव एंड कोरिएंडर, यानी कि लौंग और धनिया। आ गया समझ में, है ना, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर। आई होप समझ लिया होगा, और जितना लिख सको साथ साथ में अपने बुक में लिख लिया होगा। बुक और नोटबुक आपको साथ में कंप्लीट रखना है, कल आपको PDF मिल जाएगा इसका, तब आपको नोटबुक में भी कंप्लीट कर लेना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।